अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह के शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। तो जी लास्ट का अशरा शुरू होने वाला है रमज़ान का, और बस अब थोड़े से रमज़ान रह गए हैं, ईद भी आने वाली है। तो हमने सोचा कि चलें जो दो ड्रेसेस और हमारे स्टिच हुए थे ईद के लिए, तो हमने कहा चलें आप लोग के साथ भी ज़रूर शेयर कर दी जाए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हसीन और बहुत अच्छे, मतलब इनकी डिज़ाइनिंग हुई है। तो ये भी स्टिच जो है ना कैजुअल ड्रेसेस हैं लॉन के, ईद पे पहनने के लिए बहुत अच्छे हैं। और दोनों का ब्रांड है एक तो सफ़ायर। तो जी जनाब ये हमारे पास है तो टू ड्रेसेस, ये फर्स्ट ड्रेस है मेरी मदर का और ये मेरा है, और ये है हमने सफ़ायर से लिया है और ये बिन सईद का है। इनका ब्रांड जो था ये सफ़ायर वाला तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, और जो ये हमने बिन सईद से लिया इसका भी बहुत ही अच्छा। ये ऑल ओवर ड्रेसेस हैं दोनों। तो चलिए अब वन बाय वन हम आपके साथ शेयर करते हैं वीडियो। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियो तब जो है ना आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम आपके साथ दिखाते हैं, आपको मेरी मदर आपको खोल के दिखाएंगी ये ड्रेस, फर्स्ट ड्रेस। तो ये देखें, पहले तो मैं आपको इसकी फाइन पूरी स्ट्रेट लुक दिखाती हूँ शर्ट की, फिर उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह इसके ये नेक डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बना है। ये सारा शलवार का जो इसका ट्राउज़र का कपड़ा था वो लगाया, उसके ऊपर ये छोटी छोटी सी प्लेट्स डाले हैं, ये एक छोटी सी बेल लगाई है, बटन भी लगाया, और इसकी सबसे हसीन मैं आपको दिखाती हूँ इसे डिज़ाइन देखिए बाज़ों का। आप लोगों ने ज़रूर कमेंट्स में बताना है, और जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं ताकि आप भी अपने ड्रेस अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। ये देखिए, और अब आपको पूरी शर्ट दिखाती हूँ। नीचे से फुल एयरलाइन शर्ट रखी है, हल्की हल्की सी छोटी बेल भी लगाई है, और ये कमीज़ के साइड से जो बॉर्डर उतरा था ये दामन पर साथ लगा दिया गया। ये सफ़ायर से लिया था ड्रेस, ये थ्री पीस है। ये इसकी शलवार बनाई है मेरी मदर ने अपनी, ट्राउज़र ये इसके साथ, और ये इसका दुपट्टा है। बहुत ही प्यारा और हसीन कैजुअल ड्रेस ये ईद के लिए सिला है, और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट्स में आप लोग को ये ड्रेस कैसा लगा। और अब ये सेकंड ड्रेस हम आपको दिखाते हैं, ये बिन सईद से लिया था जो कि इनका बड़ा ही हिट आर्टिकल है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये नहीं देखिए इसका गला भी बहुत प्यारा बनाया है। सबसे पहले गले से स्टार्ट करते हैं, ये सारी बेल लगाई है और ये दो ऊपर छोटे छोटे कट बनाए। आप लोग ज़रूर अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हुआ तो ले सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन ड्रेस सिला है। इसकी भी नीचे से एयरलाइन शर्ट रखी है, और सबसे ज़्यादा ये देखिए इस पर जो मेहनत का काम हुआ है वो ये है जी आस्तीने, स्लीव्स पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। मैं आपको क्लोज करके भी दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत से हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, और आप लोगों ने ज़रूर इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा अपना प्यार देना है, और हमें ज़रूर बताना है कि आप लोग को हमारे ये ड्रेस कैसे लगे हैं। और जो भी चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आगे वीडियो को शेयर करें। और अब इसका ट्राउज़र आपको दिखाते हैं, ट्राउज़र में भी बहुत प्यारा इसका डिज़ाइन बनाया है मैंने, ये देखें जॉइंट बेल लगाई है, उसके बाद ये एप्लिक का थोड़ा सा वर्क किया है, नीचे भी छोटी छोटी बेल लगाई है। ऑल ओवर आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन। और दुपट्टा भी हमें इसका दिखाएं, दुपट्टा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया है, ये सारा अंदर जो है ना ये कपड़ा लगा के और इसके साथ ये बेल अटैच की है, जिससे दुपट्टे की लुक बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये थे जी आज के हमारे दोनों ड्रेसेस ईद के, आप लोगों ने बताना है आप लोगों को कैसे लगे हैं। तो जी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी या व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।